कलिकाल में हनुमान जी की भक्ति ही कही गई है। हनुमान जी की निरंतर भक्ति करने से भूत पिशाच शनि और ग्रह बाधा रोग और शोक कोट कचहरी जेल बंधन से मुक्ति मिल जाती है। घटना दुर्घटना से बचना हो, मंगल दोष कर्ज से मुक्ति या बेरोजगारी और तनाव से दूर होना हो तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च देवता हैं। उनकी भक्ति पूजा या सेवा करने की कुछ शर्तें होती हैं। यह भक्ति पूजा या सेवा उन्हें ही फलीभूत होती है जो इन शर्तों का पालन करके हनुमान जी की सेवा करते हैं। शर्त यह है कि किसी पराई स्त्री पर बुरी नजर ना रखें, ब्याज का धंधा ना करें, किसी का हक ना मारें और ना ही किसी को दुखी करें, ईश्वर धर्म और देवता की आलोचना ना करें या उपसाहस ना उड़ाएं, हमेशा साफ सुथरे और पवित्र बने रहें, झूठ बोलना और हर बात पर गाली देने की आदत छोड़ देनी चाहिए, मंदिर के नियमों का पालन करें और अपने दादा दादी नाना नानी माता पिता भाई बहन पत्नी और बेटी के साथ अच्छा व्यवहार रखें। तो आइए जानते हैं हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कौन से वो 10 तरीके हैं जिससे हनुमान जी की आप पूजा कर रहे हैं तो वह सफल हो जाएगी। अब आपको बता देते हैं कि आपको किन नियमों का पालन करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़नी है, वह भी एक ही जगह पर बैठकर। प्रतिदिन हनुमान जी के समक्ष 3 कानों वाला दीपक जलाएं, दीपक में चमेली का तेल डाल दें। जब भी इच्छा हो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, बीड़ा अर्पण करें और गुड़ एवं चने का प्रसाद चढ़ाएं। ओम श्री हनुमंते नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करें, आपको यह जाप सिद्धि देगा। माह में एक बार सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। सिद्ध किया हुआ हनुमान जी का कड़ा आपको पहनना चाहिए, यह कड़ा पीतल का हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हनुमान जी को मंगलवार शनिवार या हनुमान जयंती पर केसरी या बूंदी लड्डू, इमरती बेसन के लड्डू, चूरमा मालपुआ या मलाई मिश्री के लड्डू का भोग जरूर लगाना चाहिए। हनुमान जी के साथ ही भगवान राम लक्ष्मण और जानकी माता की पूजा जरूर करें। प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखकर विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करें और पवित्रता का ध्यान रखें। यदि आप घोर संकट से घिरे हैं या आप हनुमान जी की पूर्ण भक्ति करना चाहते हैं तो फिर आपको मांस मदिरा और सभी तरह का आपको गलत काम छोड़ना होगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। प्रतिदिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा या उनके मंत्र का नाम का जप करें। हनुमान जी निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।